राजस्थान में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत प्रदेश के मतदाताओं का पूरा रिकॉर्ड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास होगा। ये कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट में। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से पार पाना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत राजस्थान में कांग्रेस को मजबूती देने और सभी 25 सीटें जीतने की कवायद के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। प्रदेश के 75 लाख परिवारों तक पहुंचेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता। 1 लाख कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। शक्ति ऐप को बेहतर बनाने की कवायद। उल्लेखनीय काम करने वालों को अशोक गहलोत करेंगे सम्मानित। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल बजने की तैयारी है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस मतदाताओं का रिकॉर्ड घर घर कांग्रेस ऐप में दर्ज करने का अभियान शुरू करने जा रही है। इससे पहले पार्टी करीब 1 लाख पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रही है। इन्हें ऐप का पासवर्ड दिया जाएगा, जो सीधे अपने बूथ पर पार्टी समर्थित परिवार के मुखिया का रिकॉर्ड ऐप में दर्ज करेंगे। इसके बाद ऐसे मतदाता ऐप में दर्ज होंगे जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं और माहौल के साथ वोट देने में विश्वास करते हैं। कांग्रेस की इस कवायद का परिणाम ये होगा कि प्रदेश के करोड़ों मतदाताओं से पार्टी सीधे तौर पर जुड़ जाएगी। पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं को भेजा जाएगा मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश। प्रत्येक बूथ से 1 पदाधिकारी को किया जाएगा प्रशिक्षित। राज्य में है कांग्रेस के फिलहाल 51,000 से ज्यादा बूथ। घर घर कांग्रेस ऐप के बेहतर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री गहलोत और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने का मौका भी मिलेगा, जिससे वे और उत्साह के साथ काम कर सके। विधानसभा क्षेत्रों में शिविरों के माध्यम से इस ऐप पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 90 से ज्यादा क्षेत्रों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो चुके हैं।